Hello and good day everyone, this is AbdulQadir और मुझे ये request की थी मेरे किसी subscriber ने, अमित शायद उसका नाम है या उनका नाम है, क्योंकि मुझे of course मुझे नहीं पता चलता कितना कौन किस age का या मुझे किसी का नाम नहीं पता था, सिर्फ चैनल का नाम आ रहा होता है. तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी ये Cokestudio का लैला ओ लैला, रोस्तम मीरलाशारी का लैला ओ लैला गाना, जो कि Cokestudio का जो कि बहुत पुराना है, कितना 13, 14, 15, 16, 17, 18 पाँच साल पुराना गाना ये. और मैंने अभी नहीं सुना, मैंने पहले रिकॉर्ड किया कि मैं क्योंकि लाइव रिएक्शन देता हूँ, मैं जो रिकॉर्ड हो रहा है मेरा रिएक्शन वही होता है और जैसा रिएक्शन होता है वही रिएक्शन होता है, क्योंकि रिएक्शन रिएक्शन होता है. मैं एक चीज़ को देख के क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये भी एक रिएक्शन है, तो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ लैला ओ लैला पर रोस्तम मीरलाशारी के Cokestudio 2013. अच्छा 2013 में कौन सा सीजन चल रहा होगा, अभी क्या चल रहा है 11 Cokestudio सीजन 6. ओके लैला ओ लैला, ये लैला ओ लैला वो सनी लियोन वाला है क्या? लेट्स सी. वाओ Cokestudio पहले अंग्रेज काम करते थे. जबान कौन सी है ये? ओह वो बैक प्लेबैक सिंगर. वाओ कब से काम कर रहे हैं लोग Cokestudio में. हाँ Cokestudio पहले कितना चेंज था. यू हैव मेमोरीज ऑफ गो ब्लाइंड एंड मैंने वो कैप्शंस खोले हैं क्योंकि मुझे जबान समझ में नहीं आ रही है. वाओ Let me take to the other side. Wow, Cokestudio कितना छोटा था पहले. Lyrics यार चेंज नहीं हो रहे, मतलब वही lyrics चल रहे हैं. तीसरी दफा देखो यही लाइन चल रही है. Please नई चीज, मतलब नई लाइन. जो भी जबान है बहुत खूबसूरत है. दोनों निगम में मिल रहे हैं रुस्तम मीरलाशारी. ओह वाओ अंग्रेज काम करते थे पहले Cokestudio पे. रेशल विक्का जी She's pretty. बस ना बाकी वो स्किल्स दिखा रहे हैं. The beauty of your forehead ornament has made me wow. किसके लिए गा रहे हैं? लैला की माथा पट्टी इनको बहुत अच्छी लग रही है, जो कि लिरिक्स हैं जिनका मतलब है क्योंकि उनकी माथा पट्टी ने उनको प्यार में गिरा दिया है. लैला
ओके जिसने भी ये मुझे वो किया था रेकमेंड, मैं इंग्लिश गाने क्यों सुनता हूँ क्योंकि उसमें बहुत लिरिक्स होती हैं और बहुत मतलब होता है और वो बहुत रियलिटी पे बेस कर रहे होते हैं गाने, इसलिए मैं बहुत सिंगर. और मैं हर गाना नहीं सुनता इंग्लिश का, जैसे मैं रैप म्यूज़िक बहुत कम सुनता हूँ और मैं पॉप म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि मुझे पॉप सिंगर बनना है इसलिए. तो इसमें भी सिर्फ 3 फ्रेजेस थे, मैंने इनको पहली दफ़ा सुना है तो मुझे इनकी अचीवमेंट्स या उनके बारे में कुछ नहीं पता है. अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या क्योंकि अगर मैं किसी पे रिएक्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में सब पता होना चाहिए तो ही मैं एक अच्छा रिएक्शन दे सकता हूँ. बगैर किसी के बारे में कुछ पता होकर कुछ भी मैं गलत बोल सकता हूँ या ऐसा कुछ बोल सकता हूँ जो वो ना हो इंसान, और मैं उस पर रिएक्शन अगर दे रहा हूँ तो. अच्छा गाना था लैला और लैला, लेकिन और ये जो भी ज़बान थी बहुत खूबसूरत थी. Sticker. Thank you so much for watching this video, and if you enjoyed, please make sure to subscribe. This is important because mujhe 1000 subscriber reach karne hain kisse pehle, December se pehle. Varna mera channel ho sakta hai band ho jaye, so please subscribe, please support me and please help me. Thank you so much for watching this video. I love you guys. Goodbye.